Hello students, good morning. Today I'll be discussing with you all the Narasimhan's assignment of organizational behavior. Second question आज अपने discuss कर रहे हैं. Second question में देखो, Harvey and Beans are team leaders of team A and team B respectively. Harvey is very open to feedback and does not let his perception rule his decision. He takes action based on facts and figures, whereas Beans get carried away with his perception. Team A is very happy and motivated team, which is clearly visible by their performance, and just the reverse goes for team B. यहाँ पे हार्वी एंड वीम्स दो टीम लीडर है. दोनों टीम लीडर के परफॉर्मेंस के बारे में और उनके जो काम करने का स्टाइल है, कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल है, उसके बारे में बताया गया है. हार्वी टीम ए का टीम लीडर है, वीम्स टीम बी का टीम लीडर है. हार्वी इज वेरी एनालिटिकल एंड लॉजिकल, वो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग पे बिलीव करता है. और वीम्स जो है वो बिल्कुल परसेप्शन के ऊपर काम करता है, उसकी सोच. परसेप्शन का मतलब होता है एक जन की धारणा. तो जब ये धारणा हमारी बन जाती है एंड विदाउट कंसिडरिंग द लॉजिकल फैक्ट्स, इफ यू वर्क ऑन इट, तो क्या होता है, हमारा एक परसेप्शन बायस क्रिएट हो जाता है, बायसनेस क्रिएट हो जाती है, जो कि यहाँ पे हुआ है. देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, वीम्स टेक्स एड फ्रॉम अ सेल्फ हेल्प बुक वेयर ही रीड्स अबाउट द मैनेजरियल इम्प्लीकेशन ऑफ परसेप्शन. व्हेन ही डज अ सेल्फ एनालिसिस ही अंडरस्टूड दैट ऑल दिस वाइल ही वॉज वर्किंग टोटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज परसेप्शन. Weems decide to take a plunge and modify his behavior. Discuss any three managerial implication of perception and conclude by stating that what could have made Weems change his way of behaving. क्वेश्चन में थोड़ा आपको परसेप्शन के बारे में पहले समझना है. व्हाट इज परसेप्शन? परसेप्शन, एज आई सेड, ओबी, अगर इन द फील्ड ऑफ ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीवन्स बिहेवियर, एनीवन्स वे ऑफ थिंकिंग एंड हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग, हिज एटीट्यूड, एवरीथिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द परसेप्शन, द कॉम्पोनेंट ऑफ परसेप्शन. परसेप्शन का सीधा सा मतलब है आप चीजों को कैसे देखते हो. देखो परसेप्शन कैन बी राइट, मीन्स आई कैन नॉट से दैट योर परसेप्शन इज राइट एंड माइन वन इज रॉन्ग, और माइन इज राइट एंड योर इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है. परसेप्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सबकी अपनी धारणा है. मैं एक चीज को अपने तरफ से देख रही हूँ तो वो 9 दिख रहा है, आप अपने तरफ से दिख रहे हो तो वो हो सकता है आपको 6 दिख रहा है. 9 और 6 दोनों एक ही जैसा दिखता है, उसको बस घुमाने का अंतर है. तो ये है परसेप्शन. हम कहते हैं ना कि जो सैंड वाला एक ग्लास होता है ना, तो कोई कहता है कि ग्लास ऊपर से भरा हुआ है, मैंने कुछ आधे ग्लास भरे हुए हैं, और कोई बोलेगा आधा ग्लास खाली है. दोनों ही अपने जगह पर सही है. सो दिस इज व्हाट परसेप्शन इज ऑल अबाउट. परसेप्शन आपकी धारणा, आपकी सोच, जो कि डेफिनेटली हमारे कॉग्निटिव इम्पैक्ट का हालत, हमारा लर्निंग प्रोसेसिंग, हमारे जो चाइल्डहुड बिहेवियर्स, ऑल दिस थिंग, हमारा सोशल इफेक्ट, ये सारी चीजों का इम्पैक्ट होता है हमारे लर्निंग पे, और लर्निंग का इम्पैक्ट हमारे परसेप्शन पे होता है. तो अभी हाँ, मैं चलो परसेप्शन के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, लेट्स मूव इनटू द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज डिस्कस एनी थ्री मैनेजरियल इम्प्लीकेशन ऑफ परसेप्शन. अब क्या होगा, आप एक मैनेजर हो तो आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा ये परसेप्शन, क्योंकि अब देखो मैनेजमेंट में आप जो जो रोल्स में हो, मे बी यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर वेयर यू नीड टू मैनेज योर टीम. आपको अपने टीम मैनेज करनी है, आपको रिक्रूटमेंट करनी है, स्टाफिंग करना है, इंटरव्यू लेना है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, जॉब एलोकेशन, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू डू. नाउ ड्यूरिंग ऑल दिस फेजेस आपके अंदर अगर एक परसेप्शन बायसनेस क्रिएट कर लिया है आपने कि हाँ ये बंदा सही है, ये बंदा गलत है, तो जब मेरे दिमाग में वो पहले से बैठा हुआ है ना, तो मैं एक आदमी जो अच्छा नहीं भी हो तो मेरे अंदर वो, मुझे लगता है वो अच्छा है, वो हमेशा से अच्छा काम करता है, तो मेरे अंदर वो बायसनेस क्रिएटेड है, तो उसका वो फायदा उठाएगा. सो दिस इज व्हाट द इम्प्लीकेशन फॉर मैनेजर इज. मैनेजर को इसलिए बहुत सोच समझ के काम को करना है, बहुत लॉजिकल डिसीजन लेना है, जो कि हार्वे हमेशा लेता है. वो अपनी सोच को इन्फ्लुएंस नहीं होने देता अपने काम पे, वो लॉजिकली एनालिटिकली सब कुछ, सारे डेटा फैक्ट्स को स्टडी करता है, एंड देन ही टेक्स अ डिसीजन, दैट इज व्हाई हिज टीम इज हैप्पी. वेयर इज वीम्स का क्या प्रॉब्लम है, वो उसके परसेप्शन को रूल करने देता है, मतलब उसके मन और उसकी जो धारणा बनी हुई है उसको रूल करने देता है, उसके माइंड को, कि मैंने ये सोच रखा है, तो इसका तो उसके सबॉर्डिनेट फायदा उठा सकते हैं, इसके टाइम ये जो परसेप्शन बायसनेस है इसके कारण वो गलत डिसीजन लेगा रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसके लिए मे बी ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ड्यूरिंग मीन्स देयर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ थिंग्स दैट कैन क्रिएट परसेप्शन बायस, जो है ना ये बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है, लाइक यू हैव स्टीरियोटाइपिंग इफेक्ट, स्टीरियोटाइप इफेक्ट हो सकता है, सिमिलर टू मी इफेक्ट होता है, मेरे जैसा, ये भी एक परसेप्शन का प्रॉब्लम है कि मुझे लगेगा मैं अच्छी हूं तो मेरे जैसे ही लोग मुझे मिलने चाहिए, मेरे जैसे लोग काम करने चाहिए, विच इज नॉट गुड, वो सही नहीं है, मैं भी सही नहीं हो सकती हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो दीज आर द डिफरेंट मैनेजरियल इम्प्लीकेशन यू विल फाइंड.
आप बुक में देखो, बुक में ये आंसर बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है, इसके पॉइंट्स हैं। अब आई होप आपने परसेप्शन का मतलब या मैनेजरियल इम्प्लीकेशन समझ लिया होगा। यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स ऑन योर ओन। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।